Good morning, students. Today we will start chapter 7, triangles. You have studied about triangles and their various properties in your earlier classes. आपने junior classes में triangles और इसकी various properties के बारे में पढ़ा है. You know, a triangle has three sides, three angles and three vertices. आपको ये triangle अगर ABC given है, तो इसकी थ्री साइड है ए बी, बी सी एंड ए सी. थ्री एंगल है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. तो हमारे पास एक ट्राइंगल में सिक्स पार्ट होते हैं. अब हम नाइन्थ क्लास में ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे. और कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में आप लोगों ने क्लास सेवन में किया है. क्लास सेवन में हम लोगों ने किया थी दो. सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेंस के बारे में बताती हूँ. दो चीज़ें कब कॉन्ग्रेंस होती है, जब उनका साइज सेम होता है, उनकी शेप सेम होती है. अगर हम एक के ऊपर एक को रख दें तो नीचे वाली चीज़ जो है हमें नज़र नहीं आती कि वो एक दूसरे को कंसाइड करती है. क्या करती हैं, एक दूसरे को कंसाइड करती हैं. फॉर एग्जांपल, जो आपके बिस्किट के पैकेट में जो बिस्किट्स होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, ट्राइंगल शेप्स का, सॉरी कॉन्ग्रेंस शेप्स का एग्जाम्पल है. आपके पास 10 रुपये की नोट्स की जो पूरी एक गड्डी होती है वो किसका एग्जाम्पल है, कॉन्ग्रेंस का. उसके बाद आपके पास जितनी भी आपके पास क्लास 9 की एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक्स हैं वो किसका एग्जांपल है, कॉन्ग्रेंट शेप्स का एग्जांपल है. तो अब हमें पढ़ना है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल के बारे में. किसके बारे में, कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स. तो अगर हम कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स को लेकर चलते हैं तो दो ट्राइंगल को हम लेंगे कि दोनों ट्राइंगल कब कॉन्ग्रेंट होगी, जब उनकी शेप सेम होगी, जब उनके एंगल सेम होंगे, जब उनके साइड के मेजरमेंट सेम होंगे. अब हमने किया कि एक ट्राइंगल में सिक्स पार्ट्स होते हैं. एक ट्राइंगल में कितने पार्ट होते हैं, सिक्स पार्ट. हम थ्री पार्ट्स इक्वल करेंगे तो थ्री पार्ट जो है वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे. मेरे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर. तो कॉन्ग्रेंस की पहली कंडीशन हमारी क्या है, एस एस एस, थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल. एक ट्राइंगल की तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड से इक्वल है. जैसे ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर. तो ये तीन साइड जो है वो हमारी इक्वल है तो हमारी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगी. कौन से क्राइटेरिया से, एस 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 क्राइटेरिया से. सेकेंड हमारी है एस ए एस, एस ए एस. एस ए एस क्या हुई, टू साइड्स एंड included angle, two sides and included angle of one triangle is equal to corresponding two sides and angle of another triangle. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के. बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के. अब तीसरी चीज हमको क्या लेनी है, इंक्लूडेड एंगल. तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा बनेगा, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी. तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा बनेगा, आपका एंगल बी. और अगर आपको नहीं पता लगता है कि इंक्लूडेड एंगल कौन सा है तो दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन है, बी. तो एंगल बी, तो हमारा इंक्लूडेड एंगल कौन सा बनेगा, एंगल बी. और पी क्यू एंड क्यू आर, इसमें इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल हमारा कौन सा बना, एंगल क्यू. और यहां से भी हम देख सकते हैं एंगल क्यू. तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमारा कौन सा क्राइटेरिया हो गया, एस ए एस. ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रेंस का साइन होता है. किसका साइन होता है, ये कॉन्ग्रेंस का.
साइन ऑफ कॉन्ग्रेंस, साइन ऑफ कॉन्ग्रेंस. ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन से क्राइटेरिया थे? बाय एस ए एस क्राइटेरिया. अब नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया आता है दैट इज ए एस ए. ए एस ए तो ए एस ए में क्या होगा? टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड. टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड. टू एंगल मैंने लिया एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर. अब हमारी इंक्लूडेड साइड कौन सी बनेगी? जो साइड, जिस साइड पर दोनों एंगल्स बने हुए हैं, एंगल बी एंड एंगल सी. एंगल बी बी पॉइंट पे, एंगल सी सी पॉइंट पे. बी और सी से मिला के हमें लाइन कौन सी बनी? बी सी. बी सी इक्वल टू क्यू आर. बी सी इक्वल टू क्यू आर. तो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के. कौन से क्राइटेरिया से? ए एस से. इंक्लूडेड साइड वो साइड होगी जिस पर दोनों एंगल्स बने होंगे, एंगल बी और एंगल सी. तो इन दोनों को मिला के ही साइड बन जाएगी बी सी. एंगल क्यू एंड एंगल आर इन दोनों को मिलाकर ही हमारी साइड बन जाएगी क्यू आर. अब हम नेक्स्ट क्राइटेरिया करते हैं. अब नेक्स्ट क्राइटेरिया जो हम करेंगे दैट इज आर एच एस. आर एच एस इसमें क्या होगा? राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड एनी साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड एनी साइड ऑफ एनदर ट्राइंगल. ठीक है, एक हमारा राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा. जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया यहां पे, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर. तो ये 90 डिग्री का एंगल दोनों में है. एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री. और दूसरी चीज क्या इक्वल हो चाहिए? हाइपोटेनियस. ए सी इज इक्वल टू पी आर. और साइड कोई भी इक्वल होती है, बी सी इक्वल टू क्यू आर. तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर बाय आर एच एस. ये ए सी हमारा क्या था? हाइपोटेनियस. और बी सी हमारी क्या है? साइड. तो बन गई हमारा कौन सा क्राइटेरिया? आर एच एस. नेक्स्ट ए ए एस. नेक्स्ट क्राइटेरिया है आपका ए ए एस. ए ए एस टू एंगल्स एंड एंड साइड. टू एंगल्स एंड एंड साइड. देखो जो आपका ए एस ए था उसमें क्या था? टू एंगल्स थे और इंक्लूडेड साइड थी. क्या थी आपकी? इंक्लूडेड साइड. लेकिन ए से में क्या है? दो एंगल्स हो गए और कोई भी साइड. जैसे हमने कहा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू. और साइड कोई भी ले सकते हैं हम, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर. तो अब देखो इंक्लूडेड साइड अगर हम देखते तो कौन सी बनती? ए बी बनती. इंक्लूडेड साइड कौन सी बनती? ए बी. और उधर से कौन सी बनती? पी क्यू. लेकिन अब हमने ए बी ना लेके कौन सी साइड ली है? पी क्यू और क्यू आर. तो ये हमारी कौन सा क्राइटेरिया होगा? ए ए एस. ये हमारे पांच क्राइटेरियाज हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के. नंबर वन मैंने आपको बताया था एस 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 क्राइटेरिया. नंबर टू एस ए एस. नंबर थ्री ए एस ए. नंबर फोर आर एच एस. एंड नंबर फाइव ए ए एस. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 7.1 एंड यूज दिस क्राइटेरियाज टू डू द सम. लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1. क्वेश्चन नंबर वन इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी. तो गिवन में हमारे पास आ गया, गिवन
क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी देन ए सी इक्वल टू ए डी और एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए शो दैट टू प्रूव हमें करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए बी डी और सेकेंड चीज व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी तो आपके पास गिवन क्या है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन है आपको बेटा और उसके बाद ए सी इक्वल टू ए डी गिवन है ए बी बाइसेक्ट एंगल वन जब आपको सिक्स चैप्टर करवाया गया था तो आपको बताया गया था कि बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है टू इक्वल पार्ट होता है अगर साइड को कोई चीज़ बाइसेक्ट कर रही है तो साइड के दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे अगर एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो एंगल के टू इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे अब हमारे पास ए बी किसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए इसका तो एंगल ए के टू इक्वल पार्ट हो गए एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू तो अब हम करते हैं इन ट्राइंगल प्रूफ पहले को प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी ए सी इक्वल टू ए डी गिवन एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इसका रीजन क्या है ए बी बाइसेक्ट एंगल ए अब हमें जो प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो इसके लिए हमें थ्री पार्ट इक्वल करने पड़ेंगे दो पार्ट्स तो हमें मिल गए थर्ड पार्ट देखो क्या है अपनी तरफ से हमको कोई पार्ट नहीं लेना है जो इस पे गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम पार्ट लेंगे अगर मैं अगली पार्ट लेती तो ए बी इक्वल टू ए बी दोनों ही ट्राइंगल्स में ए बी क्या है कॉमन है ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी कौन से क्राइटेरिया थे हमारा ये हुआ है एस ए एफ कैसे पता लगा कि एस ए एस से है देखो दो तो साइड है ये भी मेरी साइड है और ये भी मेरी साइड है और ये एंगल है एंगल कौन से वाला होना चाहिए इंक्लूडेड इंक्लूडेड एंगल मैंने आपको कैसे बताया था कैसे बनता है सेम पॉइंट पे इधर ए जो है दोनों में कॉमन है और एंगल वन कहाँ बना हुआ ए पॉइंट पर ही बना हुआ है यहाँ पर भी कौन सा पॉइंट कॉमन है ए कॉमन है और एंगल टू कौन से पॉइंट पे बना है ए पॉइंट पर ही बना है तो ये मेरा कौन सा क्राइटेरिया हो गया एस ए एस पहले वाला पार्ट मेरा प्रूफ हो गया अब वो कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी मैंने आपको बताया था कि एक ट्राइंगल में छः पार्ट होते हैं सिक्स पार्ट्स होते हैं थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स अगर तीन पार्ट्स हमारे इक्वल हो जाते हैं हमारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो बचे हुए थ्री पार्ट्स जो है वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं ठीक है अब जो बी सी का पार्ट है ये देखिए बी सी और बी डी तीन पार्ट इक्वल हुए हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया तो ये बी सी इक्वल टू बी डी अपने आप ही हो जाएगा बी सी इक्वल टू बी डी जैसे सी पी सी डी व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सी पी सी डी सी पी सी डी की फुल फॉर्म है हमारी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स of congruent triangle corresponding parts of congruent triangles ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन हो गया है अब हम नेक्स्ट अब दोबारा एक बार फिर से समझा देती हूँ हमें गिवन था जो हमने गिवन में लिख लिया जो उसने हमें शो करने के लिए कहा वो हमने टू प्रूफ में लिख लिया अब पहला पार्ट हमको प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है तो इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें कितने पार्ट्स इक्वल करने पड़े तीन दो तो हमें गिवन थे और वन पार्ट हमारा कॉमन आ गया ट्राइंगल हमारी कॉमन हो गई किससे ऐसे ऐसे सो बी सी इक्वल टू बी डी सी पी सी क्वेश्चन नंबर टू करेंगे क्वेश्चन नंबर टू आपको जो गिवन है वो सेम जो मैंने लिखा है वही गिवन है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल ए डी इक्वल टू बी सी
एंड एंगल डी ए बी, डी ए बी ये पूरा एंगल वन इज इक्वल टू सी बी ए एंगल टू, तो इसको मैं आर कर देती हूँ एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। प्रूव दैट, टू प्रूव, टू प्रूव है हमारा ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी, सेकेंड बी डी इज इक्वल टू ए सी, और थर्ड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये तीन पार्ट को प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ करेंगे, प्रूफ। ये दो ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी क्या क्या इक्वल है, ए डी, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन, और दूसरी क्या है बी डी ए बी, डी ए बी एंगल वन और बी ए सी, बी ए सी एंगल टू, ये भी हमें क्या है गिवन है, दो चीजें हमें गिवन थी। अब थर्ड से हमें देखने की क्या इक्वल है, थर्ड चीज ए बी और ए बी, ए बी, ए बी इक्वल टू बी ए, ये क्या आ गई हमारी कॉमन, क्या आ गई हमारी ये कॉमन। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी, कौन से क्राइटेरिया पे, एस ए एस से, पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड बी डी इक्वल टू ए सी, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि एक ट्राइंगल में सिक्स पार्ट्स होते हैं, अगर हम तीन पार्ट्स को इक्वल करके ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो रेस्ट ऑफ द थ्री पार्ट्स अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं सी पी सी पी से। तो अब बी डी इक्वल, देखो बी डी इसी का ही पार्ट है और ए सी भी जिसका पार्ट है इसी का पार्ट है, सो बी डी इज इक्वल टू ए सी सी पी सी पी। और नेक्स्ट होगा एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इसी का ही पार्ट बनेगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी किससे प्रूव हो गया सी पी सी टी। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा अभी तक हमने दो क्वेश्चन किए, तो हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था, तो हमें ट्राइंगल्स को जब कॉन्ग्रुएंट करना था टू पार्ट्स हमें गिवन थे और वन पार्ट जो है कॉमन आ गया, और बाकी के जो पार्ट्स हमें इक्वल करने थे वो कैसे इक्वल हो गए सी पी सी टी से। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। सबसे पहली बात कह रहा है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, तो गिवन में हमें एक बात क्या मिल गई, ए डी इक्वल ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, तो ए डी एंड बी सी आर इक्वल, तो ए डी इक्वल टू बी सी, इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी, तो यहाँ पर ए डी इक्वल टू टू लाइन सेगमेंट ए बी और ए डी इक्वल टू बी सी, उसके बाद एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन क्या है परपेंडिकुलर, इसका रीजन क्या है परपेंडिकुलर। तो प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ सी डी बाइसेक्ट, सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए डी, ए बी का मतलब क्या बना ए ओ इक्वल टू ओ बी, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। अगर हमें ये प्रूफ करना है तो हमें अपनी फिगर में दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, तो उन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करते हैं कॉन्ग्रुएंट करते हैं, और वही होगा दो चीज़ें हमें गिवन होगी, एक चीज़ हम अपने पास से देखेंगे कि कौन सी लें कि हमारी ट्राइंगल्स कॉमन हो जाए। हमने ट्राइंगल लिया टू, इन ट्राइंगल ए ओ डी, ए ओ डी सी ऐसे ही सेम पार्ट से हम लेंगे एंड ट्राइंगल ए ओ, मैंने परपेंडिकुलर वाली लाइन ली थी तो यहाँ से मैं क्या लूंगी बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन,
एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये दो चीज इक्वल कर ली हमने, यहाँ से क्या इक्वल किया, एक तो ये दो इक्वल किया और वन और टू इक्वल किया। अब मैं तीसरी चीज इक्वल कोई कॉमन तो नजर आ नहीं रहा, अभी तक जो हमने टू सम्स किए थे उसमें हमें तीसरी चीज क्या इक्वल मिल जाती, कॉमन इक्वल मिल जाती थी, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है। तो क्या इक्वल कर सकते हैं हम इसमें, अब देखते हैं फिगर को ध्यान से। तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है ये एंगल, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, ये मेरे कौन से एंगल बन रहे हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीओसी, कौन से क्राइटेरिया से हुआ, इसमें मुझे दो एंगल नजर आ रहे हैं और एक साइड नजर आ रही है, तो या तो मेरा एएससी क्राइटेरिया बनेगा या फिर मेरा एएएस क्राइटेरिया बनेगा। तो अब वन और थ्री एंगल से कौन साइड बन रही है, एओ, लेकिन मेरी कौन सी साइड इक्वल है, एडी, तो मेरे पास इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो ये मेरा कौन सा क्राइटेरिया बनेगा, एएस, कौन से क्राइटेरिया से मेरे इक्वल हुए, एएस से। सो बचे हुए पार्ट इक्वल हो जाएंगे, OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, CB CD और CD बाइसेक्ट AB, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब हमें जब यहाँ पर तीसरी चीज इक्वल करनी पड़ी तो वो कॉमन नहीं थी, वो हमारा एक एंगल बना और कौन से एंगल्स बने, वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, गिवन है हमें एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस, क्या गिवन है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। तो मुझे पहली लाइन से क्या मिल गया, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन, एल पैरेलल एम। अब आगे हम पढ़ते हैं, इंटरसेक्टेड बाय another pair of parallel lines P and Q। तो किससे कट हो रही है, P और Q से, और P और Q भी क्या है, parallel। तो मुझे यहाँ से एक और मिल गया, P parallel Q, ठीक है, L parallel M मिला और P parallel Q मिला। हमें to prove क्या करना है, show that मतलब to prove, triangle ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए, हमें ए बी डी और सी डी ए को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ भी इक्वल नहीं दिया है, कुछ दिया हुआ इक्वल, तो अब इसमें हमें सब कुछ अपने आप इक्वल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, प्रूफ में मैं क्या लिख रही हूँ, एल पैरेलल एम गिवन। So, अब L और M पैरेलल हैं, तो L के पार्ट्स क्या बने, AD और BC के पार्ट्स बने। So, AD पैरेलल BC, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। देखो बेटा, जब आपकी पैरेलल लाइन के बीच में से अगर हम उसको कहीं से भी लेंगे तो वो लाइन फिर भी पैरेलल ही रहेगी। अब L लाइन को हमने बीच में से AD ले लिया, M लाइन को हमने बीच में से क्या ले लिया, BC ले लिया, तो ये फिर भी क्या रहेंगी, पैरेलल। अब ऐसे इधर से लेते हैं, P पैरेलल Q, सो AB पैरेलल CD, ये भी क्या है, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब हमने क्या देखा, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसमें ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी बिना क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, अब जो मुझे प्रूफ करना है वो बोलूंगी। अब मैं ले रही हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ए बी इक्वल टू सी डी
और इधर से BC इक्वल टू AD। बताइए ये क्यों है? AB इक्वल टू CD है और BC इक्वल टू AD है, ये क्यों है? क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये क्या है? मेरी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दो चीज इक्वल हो गई। तीसरी चीज, AC इज इक्वल टू AC कॉमन। AC इक्वल टू CA, CA मतलब AC बना कॉमन। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA कौन से क्राइटेरिया से? SSS से। और हमें यही प्रूफ करना था, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था। ये मैंने आपको दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करवा दिया। आज हमने एक्सरसाइज 7.1 के 4 सम्स किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के सम्स करेंगे। तब तक आप इन सम्स को रिवाइज करोगे और इन क्वेश्चंस को अपने आप करने की कोशिश करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।